किसी शायर ने कहा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। बिजनेस, रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एयरलाइन, क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर, फॉर्मूला वन टीम के मालिक, ये सब जो एक सांस में बोला नहीं जा रहा है, वो सब एक ही शख्स के परिचय में कहा जा रहा है। सहारा ग्रुप कभी देश के सबसे ताकतवर और चमकीले कारोबारी घरानों में से एक था। सहारा श्री के नाम से जाने जाने वाले सुब्रत रॉय तब टीवी हो या अखबार या बड़ा पर्दा, हर जगह नजर आते थे। क्रिकेटर हों या बॉलीवुड के सितारे, सब इन्हीं सहारा श्री के साथ दिखने की होड़ लगाया करते थे। आज वही सहारा श्री सुब्रत रॉय खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह गए। निश्चित तौर पर सुब्रत रॉय के आखिरी चंद साल बेहद तकलीफ दे रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने रसूखदार आदमी को जेल की हवा खानी पड़ी? कहते हैं एक चिट्ठी ने सहारा में चल रही कथित गड़बड़ियों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आखिर उस चिट्ठी में क्या था और किसने लिखी थी वो चिट्ठी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 4 जनवरी 2010 को नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में लिखा एक नोट मिलता है। अपने नोट में रोशन लाल नाम के शख्स का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने सहारा के बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा किया था। उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच करने का अनुरोध नेशनल हाउसिंग बैंक से किया। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी ही नहीं किए गए। आरोप बड़ा था, सवाल हजारों लोगों और करोड़ों रुपए का था। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जांच का अधिकार नहीं था, तो यह चिट्ठी फॉरवर्ड हुई सेबी को। एक महीने बाद सेबी को भी अहमदाबाद की एक एडवोकेसी ग्रुप से ऐसा ही नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां फैसला सुनाया गया कि सहारा ग्रुप को निवेशकों का सारा पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ चुकाना होगा। ये रकम थी 24,029 करोड़ रुपए। सरकार ने हाल ही में संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,487 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। सहारा का कहना है कि वह अपने निवेशकों के पैसे वापस करना चाहता है, लेकिन ये रकम सेबी के पास फंसी। दूसरी ओर सेबी का कहना है कि वह सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपए वापस कर पाया है। इसकी वजह है कि उसे इतने ही पैसों के दावे मिले। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों के पैसे वापस नहीं कर पाई तो अदालत ने सहारा श्री सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया। जिस चिट्ठी ने एक दौर में देश के सबसे ताकतवर और चमकीले अरबपति सुब्रत रॉय का साम्राज्य ढा दिया, उसे लिखने वाले रोशन लाल अब कहाँ हैं? ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा, तो यहाँ जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सहारा ग्रुप ने रोशन लाल को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। सहारा ग्रुप के वकीलों ने ऑन रिकॉर्ड बताया था कि सहारा प्राइम सिटी इशू के मर्चेंट बैंकर ने इंदौर की जनता कॉलोनी में रोशन लाल के पते पर एक लेटर भी भेजा, लेकिन यह बैरंग वापस लौट गया। इसमें लिखा गया था कि एड्रेस पर संबंधित व्यक्ति मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, इस मामले में रुचि रखने वाले कई लोगों ने भी रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। जानकारों का कहना है कि रोशन लाल नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये काम किसी कॉरपोरेट प्रतिद्वंदी का हो सकता है। सोचिए, जिस रोशन लाल की चिट्ठी पर यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ, सहारा श्री अर्श से फर्श पर आ गए, वो रोशन लाल कहाँ हैं, वो असल में है भी या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस तरह की तमाम वीडियोस देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।